आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है, लेकिन इस चुनाव के कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले की अगर बात करी जाए तो कई तरह के वोट बैंकों पर हम चर्चा कर रहे थे। कई तरह के वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है, और इन्हीं वोट बैंक के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो सरकारें हैं वो उत्तर प्रदेश में खुद को काबिज भी करवाती आई हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक से उत्तर प्रदेश में जो महिला वोट बैंक है वो सबसे अहम हो जाएगा। कारण भी है उसका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो महिला वोट बैंक है या महिला वोट प्रतिशत है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। अब सभी की नजर उस महिला वोट बैंक पर है, क्योंकि आधी आबादी कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर ये महिलाएं एक साथ होकर किसी भी राजनीतिक दल को वोट कर देती हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गठजोड़ है वो भी महिलाओं को देखते हुए शुरू किया गया। सबसे पहले प्रियंका गांधी कांग्रेस, उन्होंने अपना स्लोगन जारी किया, गाना जारी किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। उसके बाद अपनी प्रतिज्ञाएं जारी की, और इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी भी अपने पूरे ट्रेंड में, अपने पूरे फोकस पे आ गई कि महिलाओं को कैसे अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करना है। और इसको देखते हुए जो महिला विंग थी समाजवादी पार्टी की, उसे एक्टिवेट किया गया, और वो महिला विंग अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर महिला कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम कर रही है। इसके अलावा बीजेपी भी जानती है कि अगर ये दोनों राजनीतिक दल अपने इस काम में कामयाब हो गए तो नुकसान हमें हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत अहम है। और इसी को देखते हुए कल प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को कई सारे तोहफे दिए, जिसमें मुख्यमंत्री सुमंगला योजना है। इसके अलावा डीबीटी के माध्यम से 1,000 करोड़ से भी ज्यादा कि जो रकम है उनके खातों में ट्रांसफर की गई। ये सारी जो योजनाएं हैं ये बीजेपी की तरफ से चलाई गई, और विपक्ष का कहना है कि 5 साल में बीजेपी को महिलाओं की याद नहीं आई, अचानक से याद आ गई। इसका मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए महिलाओं को अपनी तरफ खींचना जरूरी लग रहा है बीजेपी को। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जहां पहले कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इसके साथ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं जारी की थी, उस प्रतिज्ञा में यह कह दिया था कि इस बार जो महिला प्रत्याशी उतारी जाएंगी उसमें 40% महिला प्रत्याशी हम उतारेंगे, मतलब जो पूरा टिकट कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा प्रत्याशियों में उसमें 40% महिलाएं होंगी, और इसके अलावा उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बजट भी दिया जाएगा, स्कूटी भी दी जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया, कांग्रेस को जिस तरह से लगातार कांग्रेस महिलाओं के उद्धार के, महिलाओं के विकास की बात कर रही है और कह रही है कि हम इस बार के चुनाव में बहुत कुछ बदल देंगे, यानी हम मतलब महिलाएं बहुत कुछ बदल देंगे, और बीजेपी भी अब लगभग उन्हीं की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दिक्कत जिल्लत किल्लत ने महिलाओं को भाजपा के खिलाफ कर दिया है, महिलाओं को भाजपा के खिलाफ कर दिया है, और भाजपा का असली चेहरा जो है वो महिलाएं जान चुकी हैं, महिलाएं भाजपा को सीधे तौर पर नकार रही हैं, और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह से सक्रिय दिखी महिलाओं के मुद्दे पर, तो समाजवादी पार्टी ने भी अपनी महिला विंग को एक्टिवेट कर दिया और ये कहा कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी महिलाओं के लिए फोकस करके काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में थे ही, तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में महिलाओं को तवज्जो इसलिए दी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिला वोट बैंक बहुत ही अहम है। इस बात को हम नहीं कह रहे, इस बात को इस बार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल कह रहे हैं, और एकाएक ये राजनीतिक दल महिलाओं के सम्मान में खड़े हो गए हैं, एकाएक राजनीतिक दल महिलाओं को तवज्जो दे रहे हैं, एकाएक ये राजनीतिक दल महिलाओं के हक और हुकूक की बात करने लगे हैं। ये कहने लगे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आई तो महिलाओं का कुछ भी नहीं होने वाला है, बीती सरकारों ने महिलाओं का कुछ नहीं किया, और बीती सरकारें कह रही हैं कि जो विकास हमने कर डाला वो
ये सरकार कर ही नहीं सकती है। जो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रहे हैं उनका भी यही कहना है कि अगर हम आ गए तो सब पलट के रख देंगे। तो उत्तर प्रदेश में आखिर महिलाएं इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गई, इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का विकास कितना है या महिलाओं का विकास कैसे हुआ है या इसके अलावा महिलाओं की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों के वोट प्रतिशत के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत जो है वो ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो महिलाएं हैं या फिर महिला परिवार हैं वहां पर वोट किसे देना है उन महिलाओं को ये निर्धारित उनके घर के पुरुष करते हैं कि आप वोट देने कहाँ जाएंगी, किसको वोट देंगी। ये जो फैसला होता है ये घर के पुरुष करते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचलों में ये बात जग जाहिर है। हालांकि शहरी इलाकों में जब से जो पढ़े लिखे समाज का विस्तार हुआ है उसमें काफी कुछ बदलाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर यह विकास अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर ये महिलाएं एक तरफा वोटिंग कर दें, सभी महिलाएं एक मंच पे आकर के अपनी सरकार चुनने के लिए एक तरफा वोटिंग कर दें, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सरकार हो सकती है या फिर महिला जिसे चाहे उसे सरकार में ला सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जहां पर महिलाओं को ज्यादा तवज्जो राजनीति में नहीं दी जाती रही है। कारण क्या है ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी गई, क्यों राजनीतिक दल महिलाओं को कैंडिडेट घोषित करने में डरते रहे हैं। महिलाओं के नाम पर आरक्षण जरूर है जब चुनाव होता है उसमें, लेकिन जब जीतने के बाद वो कुर्सी पे बैठती हैं तो क्या सही तरीके से उनकी कुर्सी एक्सरसाइज करती है, या उनके घर के जो पुरुष हैं वो ही उस कुर्सी को, वही उनकी कलम को चलाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये चलन है प्रधानपति वाला, सभासदपति वाला, मेयरपति वाला, जिलाध्यक्षपति वाला, ये जो पति वाला सिस्टम है ये उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, लगातार फल फूल रहा है। और हम महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं कि महिलाओं का विकास हो रहा है, लेकिन ये बात सच है, ये बात आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर कोई महिला जीत कर आती है तो जो एक्सरसाइज होती है उसकी कुर्सी की वो दरअसल उसके पति के द्वारा ही करी जाती है या उसके घर में किसी पुरुष के द्वारा ही की जाती है। तो राजनीति में महिलाओं का विकास क्यों नहीं हो रहा है, राजनीति में जो ओहदा महिलाओं को मिलना चाहिए वो ओहदा क्यों नहीं मिल रहा है, महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में बढ़ावा कैसे मिलेगा। राजनीतिक दल कह तो रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम सब बदल देंगे, महिलाओं के लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्यों राजनीति से दूर रखा गया महिलाओं को, क्यों महिलाओं को सही तरीके से राजनीति में हिस्सा नहीं मिला। ये सारे जो सवाल हैं इन सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी पूछ रही हैं, हम भी पूछ रहे हैं, और अब राजनीतिक दल इन सवालों को लेकर के जनता के बीच जाने की कोशिश में है, जनता के बीच जाने के प्रयास में है और बताने की कोशिश में है कि एक बार मौका देकर देखिए उत्तर प्रदेश में बदलाव आ जाएगा, अधिकार दे देंगे। अधिकार नहीं दे पाए तो कांग्रेस कह रही है कि हम अगर आ गए तो स्कूटी दे देंगे, चुनाव लड़ने के लिए बजट दे देंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो देखना ये होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना अहम होगा और अहम होने के साथ साथ महिला वोट बैंक उसमें कितनी अहमियत रखता है। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुद्रा योजना आज गांव गांव में गरीब परिवारों से भी नई नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत मिले कुल ऋण में से लगभग 70% महिलाओं को दिए गए हैं। मैं स्वयं सहायता समूह, असल में राष्ट्र सहायता समूह है, इसलिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी गई है। भारतीय समाज में हमेशा से माताओं बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, लेकिन आज एक सच्चाई की तरफ भी मैं आपका, पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक
दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। मुझे ये कहना है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा, मैं बहुत खुश हूँ। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी के प्रति जिस दृष्टिकोण को बदलने का कार्य किया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मातृवंदना की योजना हो, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के अभियान को एक नई गति देने की कार्रवाई हो, या फिर हर घर में शौचालय के माध्यम से नारी गरिमा की रक्षा हो, या फिर माताओं को भी संपत्ति पर अधिकार मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकांश मकान जो मिले हैं वह महिला स्वामित्व के ही मिले हैं, नारी को ही प्राप्त हुए हैं। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। तो आज की डिबेट बहुत ही अहम है। हालांकि आज की डिबेट राजनीतिक मुद्दे पर तो है, लेकिन इसके अलावा महिलाओं का विकास उत्तर प्रदेश में कैसे होगा, महिलाओं को उसका हक कैसे मिलेगा, और जिस तरह से चुनाव करीब आते ही महिलाओं के हक की बात कही जा रही है, आखिर क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, बीजेपी से अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, सौम्या भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी से, और लावण्या है छात्रा के रूप में, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं का विकास कितना हो रहा है और राजनीतिक दलों के हिसाब से कितना और हो सकता है। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये उत्तर प्रदेश में जिस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं के विकास को लेकर या महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर, क्योंकि प्रियंका गांधी अब कह रही है कि वो 40% महिलाओं को टिकट देंगी, स्कूटी देंगी, बजट भी देंगी चुनाव लड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिक्कत और किल्लत की वजह से उत्तर प्रदेश की महिला जो है वो परेशान हो गई है, और इस वजह से वो बीजेपी को बिल्कुल नकारने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं का विकास नहीं किया है, महिलाओं का विकास सिर्फ सपा सरकार में हुआ था। ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगे हैं, और इसके अलावा ये भी लगा है कि ये कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करी जा रही हैं, बड़े बड़े तोहफे दिए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? नितिन जी, हमें तो इनके बयानों पे हंसी आ रही है। उसका कारण ये है कि आज जो महिलाओं के लिए काम, जब से 14वें प्रधानमंत्री बने हैं हमारे मोदी जी, उसके बाद उन्होंने निरंतर महिलाओं के लिए ही काफी काम किया है, जिसमें कि गांव के पुरुष लोग कई बार नाराज भी हुए हैं कि जो आवाज दे रहे हैं वो आप महिलाओं के नाम पे देते हैं, शौचालय आप उनके नाम पे देते हैं, उजला आप उनके नाम पे देते हैं, आप सौभाग्य उनके नाम पे देते हैं, सब कुछ आप महिलाओं को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं, महिला का सशक्तिकरण चल रहा है, महिला सशक्तिकरण, महिला, ये तो हमारे मोदी जी आज से नहीं, जब से प्रधानमंत्री बल्कि जब उनको मखर तब से उनको है कि महिला को सशक्तिकरण बनाया जाए, ताकि एक महिला एक धुरी होती है, वो जब सशक्त होगी तो उसका परिवार अपने आप सशक्त होगा। और लेकिन आज ये प्रलोभन दे रहे हैं जो महिलाओं को, जो बात कर रहे हैं कि हम स्कूटी देंगे, हम ये देंगे, हम उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम ना स्कूटी का वादा कर रहे हैं उनसे, हमने उनको स्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अंत्योदय को लेकर, जो हमारी अंत्योदय दीनदयाल की योजनाओं को लेकर, जो अंतिम छोर तक व्यक्ति है उसके लिए हम काम कर रहे हैं,
अब आप देखिए अधिकतर जमीन जायदाद पे अधिकार किसका होता था, पुरुष का होता था, और किस हर चीज पे अधिकार पुरुष का होता था। लेकिन मोदी जी ने इस चीज को बदला, उन्होंने आवास जितने भी दिए सब महिलाओं के नाम पे दिए हैं, क्योंकि वो ऐसे सोने का चम्मच लेके तो आए नहीं ना, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं गांधी परिवार की तरह, वो तो उस समाज से, उस जमीन से स्तर से होकर ऊपर आए हैं, जिनको वास्तव में मालूम है कि कहाँ कहाँ दिखते आती हैं महिलाओं। अच्छा, ये प्रियंका गांधी कह रही थी, अनीता जी, प्रियंका गांधी कह रही थी कि हमारे कदम को देखते हुए बीजेपी को झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा। तभी तो नितिन जी हंसी आ रही है हमको कि उनको ये दिख रहा है कि हम जो है स्कूटी दे रहे हैं और इनको अब ये आप चेते। अरे जना, उनको ये पता होना चाहिए कि 14 से लेकर आज तक वो जब से प्रधानमंत्री है महिलाओं के नाम पे ही सब कर रहे हैं, आवास उनके नाम पे दे रहे हैं, शौचालय उनके नाम पे दे रहे हैं, उज्ज्वला उनके नाम पे दे रहे हैं, सब कुछ तो सौभाग्य योजना उनके नाम पे दे रहे हैं। तो ये सब मालूम होना चाहिए कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गांव से निचले स्तर से मजबूतीकरण किया जा रहा है, और आज आप इस स्कूटी का प्रलोभन दे रही हैं सबसे, और आज देखिए सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा जो हमारे चुनी हुई राज्यसभा में सबसे ज्यादा हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं। लेकिन और ये भी आज ये महिलाओं की बात कर, लेकिन ये भी सच्चाई है मैडम, आप देख लीजिए जी, ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप देख लीजिए ना, सबसे ज्यादा महिलाएं ही हमारे राजनीतिक जीवन में, मतलब आप राजनीति का आप देखे आंकड़ा निकालेंगे, चाहे विधायकों का निकालिए, चाहे राज्यसभा, चाहे सांसद, चाहे किसी का भी आंकड़ा निकाले, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं नंबर एक पे है और सबसे ज्यादा है। ये महिलाओं की बात कहते तो है, करते तो है, लेकिन मानते नहीं है। आपको शायद याद होगा कांग्रेस प्रियंका जी जो बोल रही है, इनकी अपनी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इन्हीं की पार्टी के द्वारा, इन्हीं के लोगों द्वारा छेड़ा जाता था, पार्टी छोड़ के चली गई। और सबसे राजस्थान में महिलाओं का इतना बुरा हाल है, वहाँ ये बोलने नहीं जाती हैं, तो ये अखिलेश मतलब नहीं है, अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि किल्लत और जिल्लत की जिंदगी से परेशान है उत्तर प्रदेश की महिलाएं। अखिलेश यादव तो अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, उनकी अगर महिला भी सशक्तिकरण होगी तो उनकी पत्नी होगी अपर्णा यादव होंगी, उनकी डिंपल यादव होंगी, तो वो तो अपने अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। उनकी तो अपनी पत्नी को उन्होंने सांसद बनाया, अपनी पत्नी को उन्होंने टिकट दिया, अपनी पत्नी को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, तो उनके लिए तो महिला सशक्तिकरण उनका परिवार का ही सशक्तिकरण है। पहले बाहर की महिला है तो बाद में सशक्तिकरण होगी, लेकिन वो तो अपने परिवार का अपने 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 कुल की मर्यादा को निभा रहे हैं, जो उनका परिवारवाद बढ़ता चला जा रहा है वो उसी को और बढ़ा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को हम इस मामले में कहना नहीं कुछ चाहते, क्योंकि वो तो जनता जान रही है और जनता समझ रही है। ठीक है, सौम्य भट्ट है हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। सौम्य जी, आपने सुना अनीता अग्रवाल क्या कह रही है कि सपा अपने परिवार के विकास में ही लगी हुई थी, और इसी वजह से अखिलेश यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो जिल्लत किल्लत से परेशान हैं, जबकि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अनीता अग्रवाल जी ने यह भी बताया कि सबसे ज्यादा जो महिला विधायक सांसद अगर ये सब हैं तो बीजेपी से ही है, और आप लोग हैं कि सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले नितिन जी तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि अगर मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा योगदान रखती है मौजूदा सरकार में, तो यति नरसिंहानंद का स्टेटमेंट भूल गए कि महिलाएं राजनीति में कैसे आती हैं, बिस्तर गर्म करके आती हैं। ये वही यति नरसिंहानंद है ना, जिनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला नेत्री आगे नहीं आई थी। तब वो महिलाएं कहाँ गई थी, वो सांसद कहाँ गई थी, वो विधायक कहाँ गई थी, और वो मंत्री कहाँ गई थी, जब आम महिलाओं के लिए या जो राजनीति में महिलाएं रहती हैं, जैसे हम हो गए, या मैं प्रत्येक किसी की बात नहीं कर रही हूँ, महिलाओं के लिए इतना घटिया स्टेटमेंट यूज किया गया था यति नरसिंहानंद, उसके खिलाफ तो कोई भी भाजपा की नेत्री नहीं आगे आई थी उनपे आवाज उठाने। दूसरी बात ये होती है कि समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए कितना काम किया है, ये मैं बार बार प्रत्येक हर बार बता चुकी हूँ कि कन्या विद्याध्यान योजना से लेकर 1090 लैपटॉप, फ्री एजुकेशन, रानी लक्ष्मीबाई फंड, चाहे आपकी किशोरी विद्याधन हो, कितना भी कुछ काम हो, देखिए कोई सरकार आती है तो वो क्या करेगी और पिछली सरकार क्या कर चुकी है, उसमें बड़ा फर्क होता है। और बात रही कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं को सिर्फ तीन रूप में आंका गया है, वो है शक्ति, साहस और शासन। और सबसे पहले जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी पत्नी को
अध्यक्ष बनाया, तो इस पे मैं कहना चाहूंगी कि वो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व हैं। हर एक पार्टी में कोई ना कोई राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, और अभी अभी हमारी हमारी जो महिला अध्यक्ष चुनी गई है, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी इन्फॉर्मेशन को यही करेक्ट करके लिए बता दूं कि सपा की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह जी हैं, ना कि डिंपल जी हैं। वो हमारा महिला नेतृत्व करती हैं, क्योंकि हमारे वो सुप्रीम पावर है हमारे लिए। दूसरी बात, वो भाजपा नेत्रियां वो कहां चली गई मौजूदा सरकार की, जब पिछले 5 सालों से महिलाओं में 14% क्राइम बढ़ गया। अभी 2 दिन पहले की घटना है, इसी लखनऊ की घटना है, राजाजीपुरम में पीड़िता के साथ मंदिर में रेप हुआ। जब क्राइम बढ़ता है तो भाजपा की नेत्रियां कहां चली जाती हैं, और जब सत्ता में आना होता है तो झंडा उठा लिया जाता है कि सबसे ज्यादा भाजपा महिलाओं को आगे करती है। अगर भाजपा महिलाओं को आगे करती है तो वो महिलाएं कहां थी, जब महिला वो आप ही पे, भाई नेत्री आप भी है, नेत्री मैं भी हूं, महिलाओं पे इतना घटिया स्टेटमेंट यूज किया जा रहा था, तब वो महिलाएं कहां थी, तब क्यों नहीं झंडा बुलंद हो रहा था। ठीक है, ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। प्रियंका जी, आपने सुना अनीता जी ने क्या कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि क्या प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी को या प्रधानमंत्री को कांग्रेस के स्टेप के बाद झुकना पड़ गया, तो कह रही कि ये हंसने वाला बयान है। और जो बातें उन्होंने बताई कि उत्तर प्रदेश में या फिर देश में जो महिला विधायक या महिला सांसद है उनकी संख्या सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी में है तो वो बीजेपी में ही है, उसके बावजूद आप लोग इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं तो अनीता जी से कहूंगी कि लड़ाई झगड़ा बंद करके प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद दें, क्योंकि आज कम से कम प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी रैली की, उसके बाद हो सकता है कि वो आरक्षण भी जो है अनाउंस कर दें। देखिए, तो इसमें महिलाओं का जो है सशक्तिकरण हो रहा है, कौन सा हम अपराध कर रहे हैं, क्यों इतनी गुस्सा हो रही है, ये सबसे पहले तो बता वो स्कूटी वाली बात पे गुस्सा हो रही है, आपत्ति क्या है? नहीं नहीं, सभी पार्टियों का आपत्ति क्या है इसमें, ये बता दीजिए। हर महिला को करिए, आप स्कूटी बांटेंगे, ये बांटेंगे, रेवड़ियां क्यों दिखा रहे हैं जनता को? उन सबको समर्थन करना चाहिए कि भाई महिलाओं को आगे आना चाहिए। 50% आबादी है, अगर राजनीतिक रूप से वो दावेदारी प्रस्तुत करती है और राजनीतिक रूप से कोई पार्टी उनको टिकट बांट रही है, तो ये महिलाओं के लिए गर्व की बात है, ऐतिहासिक गर्व की बात होगी, क्योंकि महिलाएं आज अगर टिकट पाती हैं और कल जाती हैं विधानसभा में चुनाव लड़कर जीत कर, तो ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो अगर बढ़ेगा तो लड़ाई आसान हो जाएगी। क्योंकि आज कुछ भी कहें, कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है आज भी पुरुष प्रधान समाज है ये, और यहाँ महिलाओं को जैसा कि आपने कहा कि प्रधानपति जो है और इस तरह से संबोधित किया जाता है, तो इस टैग को हटाना होगा, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी आप महिलाएं ही तो लेंगी। तो आज प्रियंका गांधी जी जो कुछ भी महिलाओं के लिए कर रही है, मुझे लगता है कि हर पार्टी की महिलाओं को उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि उसको डिफेंड करने की, ना को उसको गलत बताने की जरूरत है। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ना ही किसी का हक मारा जा रहा है, ये तो महिलाओं का हक की बात की जा रही है, और कोई स्टार्ट करेगा तभी ये परिपाटी चेंज होगी और तभी ये इतिहास बनेगा। अच्छा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश की महिला लड़ नहीं सकती है, लड़ने के अलावा पढ़ भी सकती है, विकास भी कर सकती है, हर चीज उन्होंने लिखी थी। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने आप लोगों को टैग किया था उस सब चीजों को लेकर जो आपका स्लोगन है कि लड़की वो लड़ सकती है। हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा के लिए 80% बजट जो है वो पोस्टर पे खर्च कर देती है। तो मैं समझती हूँ कि ये पहली ऐसी पार्टी है इतिहास में जो सिर्फ पोस्टर के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा कर रही है। हास्यास्पद भी है और आश्चर्यजनक भी है, और सभी को मानना भी पड़ेगा कि भाई वाह क्या पार्टी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये किसानों की आय दुगनी कर रही थी 2022 तक, तो आज 8 दिन बचे हैं से पूछे कि हो सकता है कोई चमत्कार कर दे अनीता जी की पार्टी, तो मुझे तो लगता है कि बड़ी अच्छी बात है, उनको कर भी देना चाहिए, किसानों की आय दुगनी हो जाती। देखिए, ये वो पार्टी है जुमला पार्टी है, और जुमला पार्टी का जो है नितिन जी, एक मिनट जवाब दे दू, नितिन जी मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी भाषाओं का सारे जवाब एक साथ दीजिएगा। देश की जनता भी जानती है कि जुमला पार्टी है और इनके जुमलों पर विश्वास नहीं करेगा, और इनका तो वो हाल है कि मांगो चावल तो पुलाव देंगे, चुनाव का माहौल है कुछ भी देंगे। तो ये वो पार्टी है, इसलिए आज इनको धन्यवाद देना चाहिए, अनीता जी बैठी हुई है, इनको तो बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। हो सकता है अगली बारी इनकी ही हो जाए, इनको ही विधानसभा का चुनाव के टिकट मिल जाए, क्योंकि भाई महिला भी लड़ सकती है। किस पार्टी से? नहीं नहीं, सभी पार्टियों में इनका स्वागत है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी भी दे, आप देख रही हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो स्थितियां हैं वो बदल रही, चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि महिलाओं का विकास होगा,
लेकिन एक छात्रा के रूप में आपको क्या स्थिति दिख रही है उत्तर प्रदेश की? जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं महिला सशक्तिकरण की, कि लैपटॉप दिए जाएंगे, स्कूटी दी जाएगी, स्मार्टफोन दिया जाएगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, विकास विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन विकास कोई कोई चूर्ण तो नहीं है कि आपने एक दिन में दे दिया और वो हो गया। वो तो कई सालों तक और कई बहुत वक्त लगता है ना विकास होने में और सशक्तिकरण होने में। इनका कहना है कि इन्होंने अपने शासन में लड़कियों को सशक्त बनाया है, तो वो सशक्तिकरण कहाँ चला गया जब एक लड़की को हाथरस कांड में उसके घर वालों के बिना जाने बिना पूछे जला दिया गया और उसको इंसाफ मिलने में इतना वक्त लग गया। आज भी जब हम लोग रोड पे जाते हैं, आज शाम को आने में रात में आने में इतनी रात में आने में फैमिली को बहुत इनसिक्योरिटी होती है, भेजने में अभी भी कोई भी सशक्तिकरण जो है वो जमीनी तौर पे नहीं हुआ है, सिर्फ पोस्टर पे है और नाम का है और दिखता नहीं है। आपको लग रहा कुछ बदलाव हो सकता है जो ये वायदे किए जा रहे हैं उन वायदों से? वादा करने से कोई बदलाव नहीं होता है, बदलाव तब होता है जब बदलाव करने की नीयत होती है। सरकार जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जब जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तब ऐसे ये सब जुमले देती है, ये स्मार्टफोन का स्कूटी का लालच देती है, लेकिन विकास अभी भी बहुत मुश्किल लगता है कि विकास होगा, क्योंकि एक तरफ जहां अच्छा उत्तर प्रदेश या फिर देश की राजनीति में महिलाओं की कमी क्यों है, क्यों नहीं महिलाएं या फिर लड़कियां राजनीति में आना चाहती, क्या कारण लगता है आपको? इनसिक्योरिटी, सेफ्टी। आज भी लड़कियों की भागीदारी पुलिस में सिर्फ 7% है, और ऐसे में अगर कोई लड़की कहीं जा रही है तो फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी नहीं है, कोई पुलिस विमेन भी नहीं है, पुलिस मैन है, तो वो इनसिक्योर फील करती है, फैमिली अलाउड नहीं करती पॉलिटिकल चीजों से जुड़ने के लिए। दैट्स व्हाई। ठीक है, अनीता जी कुछ कह रही थी आप बहुत देर से, आप बताइए। देखिए पैसों से पहले मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को जवाब देना चाहती हूँ जो ये कह रही है कि हमारा नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो महिला हमारा नेतृत्व है। मैं कह रही हूँ हम जैसे खुल के ये कह सकते हैं कि मैं कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकती हूँ, मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी हो सकती, क्या ये बयान ये कभी दे सकती है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हूँ इस पार्टी की, मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं दे सकती। इनको मालूम है कि हमें उन्हीं के नेतृत्व के अंदर चलना है, और यही हाल कांग्रेस पार्टी का है, वो भी कभी नहीं कह सकती है। देखिए जब जिनकी अपनी पार्टी में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है वो लोकतंत्र की क्या रक्षा करेंगे? जो लोकतंत्र लोकतांत्रिक पार्टी हमारी पार्टी जो है पूरे एक लोकतंत्र की व्यवस्था चलती है, कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है, चाहे पुरुष हो नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात जो कह रही है उस पे क्या है, चाहे पुरुष हो। लेकिन आपके यहाँ कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। प्रियंका जी आ रहा हूँ, प्रियंका जी आ रहा हूँ, एक एक करके। पहले प्रियंका जी से मैं कहना चाह रही हूँ, इन्होंने तो बहुत समय तक राज किया है और शायद इनको मालूम है कि सबसे भयानक कांड जो हुआ था तंदूर कांड इन्हीं की सरकार थी हुआ था, और निर्भया कांड जिसका सब हाथ रहे थे बुरी तरीके से, दिल्ली प्रदेश में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, समाज देखिए वो समाज, देखिए समाज को जैसे आप जैसे हम सुधार सकते हैं, संस्कार और संस्कृति को तोड़ने का काम किया है कांग्रेस ने, संस्कार और संस्कृति दोनों को तोड़ने का काम किया है, शिक्षा को, इतिहास को, दोनों को तोड़ा है उन्होंने, उसी वजह से आज ये समाज का हाल हुआ। ठीक है, ठीक है, ये सौम्या जी कुछ कहना चाह रही हैं, अनीता जी और इतिहास दोनों को बदल के रखा, कभी आपने ये सोचा महाराणा प्रताप के बाप कौन थे? ठीक है ठीक है ठीक है, अनीता जी, अनीता जी, अनीता बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि शिवाजी के बाप कौन थे? आप ये बता सकते, आपने इतिहास को खत्म किया, इतिहास को तोड़ मोड़ के रखा, और आज से शिक्षा संस्कार संस्कृति पे आपने वो मारे, इसी वजह से आज ये समाज का हाल हो रहा है, और हम लोग आज इतिहास जो है ला रहे हैं दोबारा की इतिहास को ठीक से शिक्षा दी जाए लोगों का सही से। मैम 2017 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा वाला,
2017 को जो विधानसभा वाला चुनाव हुआ था उसमें सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने 8-8 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया था, प्रत्याशी बनाया था, और आप लोग की पार्टी ने 4-5% दिया था। तो ये तो सवाल है ना कि आप लोग खुद नहीं चाह रहे क्या कि शायद महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए? चार देखिए मैंने क्या कहा, महिलाओं परसेंटेज पे नहीं है, महिलाएं आधी आबादी महिलाएं हैं, हम सिर्फ वोट के लिए क्या जाते नहीं आज भी संसद में हमारे, नहीं नहीं हमने क्या कहा, हम 50% महिलाएं, और महिलाएं अधूरी हैं, महिलाएं अपना अस्तित्व खुद रखती है जानती है, और हमारे हमारी पार्टी हो चाहे हमारी सरकार हो वो महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं की इज्जत करती है, कहीं उनकी पार्टी के अंदर महिलाओं के साथ वो हादसे नहीं होते जो और पार्टियों के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, सौम्या जी कुछ कहना चाह रही थी, छोड़ के जाना पड़ रहा है, जो अपनी पार्टी में सुरक्षित नहीं है वो समाज को क्या सुरक्षित रखेंगी, वो संस्कार को क्या सुरक्षित, जो संस्कृति को क्या सुरक्षित, जो ये कहते हैं कि नेता उनके कहते हैं लड़के ठीक है ऐसे ऐसे बयान इनके राष्ट्रीय नेता देते हैं। ठीक है, सौम्या जी कुछ पूछ रही, कोई सवाल है उनका? नहीं, अभी अभी कांग्रेस के नेता ने क्या शर्मनाक बयान दिया है आपको मालूम होगा कि रेप क्या है, आनंद उठाना चाहिए कांग्रेस के नेता लोग का जवाब, इन लोग को शर्म आनी चाहिए, कैसे कैसे लोग बयान देते हैं उसके बाद ही कहते हैं कि समाज हम सुधारेंगे, महिलाओं के लिए हम काम करेंगे। अरे कम से कम पहले आप अपनी पार्टी के लोगों को सुधार लीजिए, उसके बाद आप समाज की बात करिए। ठीक है, ठीक है नीता जी, ठीक है। सौम्या जी कुछ कहने, सौम्या जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम प्रियंका जी के पास चलेंगे। सबसे पहले तो नितिन जी मैं बताना चाहूंगी कि हम अगर इतिहास की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम हमारा जो भारतवर्ष का इतिहास रहा है वहां पे महिलाओं को हर चीज की आजादी दी गई थी, पढ़ने की, घुड़सवारी की, तलवारबाजी की, युद्ध की, हर चीज की आजादी महिलाओं को दी गई थी। अब हम यथार्थ की बात कर लेते हैं, जैसे जैसे युग बदलता है समय बदलता है, अभी अगर 2017 से बात किया जाए तो अभी हमारे साथ छात्रा एक बैठी हुई हैं, इन्होंने एक बात कही कि हम आए दिन फेसबुक पे नितिन जी वीडियो देखा करते हैं कई डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि डिपार्टमेंट में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, है ना, चाहे वो पुलिस की हो या अन्य हो। 14% का क्राइम बढ़ गया है, यही जो जो हिंदुओं के ठेकेदार जो बनते हैं, बाबा बनते हैं, ऐसी ऐसी घटिया स्टेटमेंट पास करते हैं, ऐसे ऐसा ऐसा जिसे कहते हैं तुच्छ मानसिकता के लोग होते हैं पार्टी में, और बात इतिहास की होती है। अरे 2017 से भी तो कोई बात कर ले, हाथरस की भी कोई बात कर ले, लखीमपुर की भी बात कर ले, क्या वो बिटिया नहीं है, वो महिला नहीं है? हर महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना। सौम्या जी दूसरी बात, दूसरी जब बात नितिन जी, सौम्या जी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो मैं बिल्कुल आपको मुख्यमंत्री थे, आप क्या क्या आपने हमेशा आपने हमेशा सुरक्षित है आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे दिए, इस तरीके का बयान मत दीजिए मैडम, समाजवादी पार्टी में हर महिला सुरक्षित है। मैं हूँ समाजवादी पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्येक ज्यादा अच्छा पक्ष रख सकती हूँ, तो समाजवादी पार्टी में हर महिला सुरक्षित है। आप अपनी पार्टी में मैडम संभाल लीजिए, जहाँ पे यति नरसिम्हानंद जैसे घटिया लोग बसे हुए हैं और वो महिलाओं को बिस्तर गर्म करने का एक खिलौना समझते हैं, आप अपनी पार्टी का स्टेटमेंट बदल लीजिए मैडम। हमारी समाजवादी पार्टी में महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित है, मैं खुद सुरक्षित हूँ। इस तरीके का मैडम, वरना अगर उठाना है तो 2017 से महिला क्राइम उठाइए ना, महिला बड़ा बड़ा पोस्टर पे छपता था कि नारी के सम्मान में भाजपा है मैदान में, वो नारी का सम्मान कहाँ चला गया हाथरस में, वो नारी का सम्मान कहाँ चला गया लखीमपुर में, क्या सम्मान सिर्फ उन्हीं महिलाओं का होगा जो संसद में बैठेंगी, उन महिलाओं का नहीं होगा जो बच्ची रोड पर चलेगी? मैडम आप मुझे क्या जवाब देंगी? आप छात्रा को जवाब दे लीजिए, आप छात्रा को जवाब दे लीजिए, यही बहुत बड़ी बात है, आप छात्रा को जवाब दे लीजिए मैडम, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है प्लीज। गुंडों की सरकार रही है, गुंडों की, अपराधियों की सरकार रही है, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देते हैं मौजूदा सरकार, को देखते हुए लगता है जिस पे जितने ज्यादा मुकदमे होंगे वही इस देश का मुख्यमंत्री लगेगा। आखिर की सरकार को देखते हुए लगता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जितने मुकदमे होंगे मुख्यमंत्री वही बनेगा? आपकी सरकार को देखते हुए लगता है मैडम, आप छात्रा को, वो तो आम बच्ची है, उस बच्ची को जवाब दे लीजिए, आप मुझे क्या जवाब देंगी? केवल अपराधी, ठीक है, आज अपराधियों के आगे बुलडोजर चल रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है, आज भी आपको नहीं, हमें दिक्कत महिलाओं के लिए हो रही है कि आपकी पार्टी एक हिंदू के ठेकेदार जो बनती है
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज 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 अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी देते हो, अनीता जी सक्षम देते हो, बात करते हो महिला सुरक्षा की। अनीता जी प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही, प्रियंका जी क्या कह रही? देखिए यहाँ पर अनीता जी बैठी हैं, मन की बात करे जा रही हैं, सुनना तो किसी को चाहती नहीं है वो। दूसरी चीज में ये कह, प्रियंका जी का ऑडियो कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, महिला नहीं है। मैं उनको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं रही हैं और गांधी परिवार से अलग भी रही हैं, परंतु अनीता जी अपनी पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला का नाम बता दे तो मैं यहाँ बैठकर इनके हाथ पैर जोड़ लूंगी, परंतु इनकी किस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक कोई महिला ही नहीं बनी। आपके यहाँ कौन सी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही है बताइए हमें, सोनिया गांधी जी के अलावा? ये कहना चाहिए आप बताइए कौन सी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है आपके यहाँ, इंदिरा गांधी सोनिया गांधी के अलावा बताइए किसी और का नाम, एक नाम बता दीजिए, बुलडोजर चलेगा वो बता दें, किसानों के हत्यारे हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप, हमारे यहाँ तो महिलाओं को कहीं भी के आप चुन के भी, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ ये नहीं सुन लीजिए प्रियंका जी क्या कह रही है, चलता चला अनीता जी, अनीता जी हमारे चलता चला, अनीता जी प्लीज, अनीता जी, अनीता जी प्रियंका जी की सुन लीजिए, प्रियंका जी की सुन लीजिए क्या कह रही है, सबको सुनने और बोलने का मौका दीजिए भाई कि हम लोग, हाँ बताइए, हाँ प्रियंका जी, प्रियंका जी बताइए, प्रियंका जी बताइए, यूपी तीसरी बार नंबर वन है, दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर वन है, भुखमरी में यूपी नंबर वन है, जेल के अंदर हत्याओं में यूपी नंबर वन है, तो ये यूपी नंबर वन की लिस्ट है। आप फ्री राशन दिया जा रहा है, प्रियंका जी कैसी बातें कर रही हैं, फ्री राशन मिल रहा है, जाके गांव में देखिए, आप शहर में रहती हैं, आप जाके निम्न स्तर पे देखिए, लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, आवाज दिए जा रहे हैं, आज घर घर रोशनी हो गई है, घर घर बिजली पहुंच गई है, आज देखिए कहां गांव में बिजली नहीं थी, प्लीज महिलाओं के मुद्दे पर ही रहिए तो बेटर होगा। नहीं नहीं इतने साल राज किया उसके बाद आप बिजली नहीं दे पाए सब जगह, हमारी सरकार आने के बाद बिजली भी मिली, आवास भी मिले, आयुष्मान भारत की योजना भी मिली, स्वास्थ्य योजना भी मिली, आज मेडिकल कॉलेज हमने कितने बढ़ाए हैं ये आप देखिए। ठीक है अनीता जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अनीता जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अनीता जी आपके पास आ रहा हूँ, 5-7 साल में किया। ठीक है, हाँ प्रियंका जी क्या कह रही थी, पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं आप लोग, आपने अरे फ्री में राशन देखिए आप मन की बात कर रहे हैं, अच्छा ये बताइए सब जगह पर, अरे मैं आ रहा हूँ अनीता जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अनीता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सबको सुनने और बोलने, अरे सुन तो लीजिए प्रियंका जी क्या कह रही है, क्यों नहीं कम हुए राजस्थान में, क्यों नहीं कम हुए, लग रहा है माइक से जा नहीं रही है आवाज, आवाज उन्हें पूरी मिल रही है, नहीं जा रही है, वो तो सुनने को ही नहीं तैयार है, वो भ्रष्टाचार महिलाओं को क्राइम पे आने को ही नहीं तैयार है, ये कह रही है राशन बट रहा है, वो राशन पे चली जा रही है, अरे तेल का भाव अनीता जी इस समय कितना है, गैस गैस कहाँ पहुँच गई है, इस पर भी बात कर लीजिए, वही तो कह रही हो, पेट्रोल के दाम जब सारे देश में कम हुए हैं, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ कम क्यों नहीं किए गए, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्यों नहीं किए गए जब पूरे देश में सब क्योंकि आप लोग जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ठीक है प्लीज, ठीक है देने वाले लोग हैं। ठीक है, ठीक है अनीता जी, ठीक है करते कुछ है भ्रष्टाचार, ठीक है अनीता जी हो गया, आपके नेता भ्रष्टाचार के जमानत पे बाहर है, उनपे क्या मुकदमे हैं, भ्रष्टाचारी मुकदमे हैं ना, ठीक है प्लीज हो गया अनीता जी, अनीता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ अनीता जी, हाँ प्रियंका जी कोई तथ्य नहीं है आपके पास, अरे बात कर रही है कौन सा भ्रष्टाचार, आज एक भ्रष्टाचार नहीं गिरा सकते हमारे ऊपर, कोई केस नहीं है हमारे ऊपर, पिछले 8 साल तो इनकी सरकार है, अगर अच्छा आपके नेता जमानत पे है कि नहीं, सोनिया जी और राहुल जी किस पे जमानत पे आप बताइए, कि उनपे कौन पे वो जमानत पे बाहर है, क्या किस क्या काय का आरोप है उनके ऊपर जो उन्होंने जमानत बाहर है, आप ही बता दीजिए, आप बता दीजिए, हम नहीं बताते आप ही बता दीजिए, क्या आरोप है जो जमानत, ठीक है हो गया प्लीज, हो गया मैं यहाँ किसी की जमानत के बारे में पूछने नहीं बैठा हूँ, प्लीज हो गया। लावण्या कुछ पूछना चाह रही है अनीता जी आपसे, लावण्या क्या पूछना चाह रही है, ये सरकार बात करती है संस्कृति की और कल्चर की, बहुत बात करती है संस्कार की बात करती है, तो सिर्फ एक सवाल में ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे सॉफ्ट पोर्न को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और उन्हीं सॉफ्ट पोर्न के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को बुला बुला के पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल एकता कपूर है, तो क्या इससे ये महिला सशक्तिकरण इससे हो रहा है, इससे महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, जो लड़के हैं और जो
इनकी मानसिकता बन रही है, ये सब देख करके जो यूथ है वो भटक रही है। ऐसे में ये सरकार कैसे संस्कार की बात करती है? आपने पूछा पॉलिटिकल पार्टी में लड़कियां पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करती, क्योंकि दया शंकर जैसे लोग बीजेपी के लीडर्स जो एक जिन्होंने मायावती को एक प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर कर दिया था, हरीश रावत ने एक लड़की के पहनावे पे कमेंट किया था, इसलिए लड़कियां जो लोग लड़कियों पे ऐसे कमेंट कर सकते हैं, जो लीडर है, जो किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, जो इस तरह लड़कियों पे कमेंट कर सकते हैं, जो उनके लिए ये सब चीजें बोल सकते हैं, जो मायावती को प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर कर सकते हैं, वो कैसे ये कह रहे हैं कि वो नारी को सशक्त कर रहे हैं? वो सशक्त नहीं कर रहे हैं, वो सशक्त नहीं कर रहे हैं। भाजपा मैदान में आई थी, आप क्या कह रहे हैं? आप थोड़ा ज्ञान अपना वर्धन कर लीजिए लवण्या जी। आप छात्रा हैं, आपको मालूम है कि बसपा के मंत्री ने क्या बोला था एक बच्ची के विषय में? तभी भारतीय जनता पार्टी आई थी कि नारी के समान में भाजपा मैदान में। आप ये छोटी सी बच्ची के लिए कहा था कि उस लड़की को लेके आओ, पेश करो हमारे पास, उनकी माँ को पेश करो। उनकी जब उन्नाव में कांड हुआ था, तब उस लड़की को जस्टिस पाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, उस लड़की को अपनी जस्टिस पाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, वो भी बीजेपी के ही लीडर थे जिन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया था, वो भी बीजेपी से ही कनेक्टेड थे, तो कोई गलत नहीं। अगर मैंने क्या कहा, राजनीति में इतनी महिलाएं आगे बढ़ी के आप बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य पे काम किया गया है, तो भी ऐसे नहीं प्रतापगढ़ में आज भी हॉस्पिटल्स में लोगों को कंधों पे उठा के ले जाया जाता है, स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है। आप क्या बात करती हैं? आईटी चौराहे पे लखनऊ के आईटी चौराहे पे मैं रोज यूनिवर्सिटी जाती हूँ। आईटी चौराहे पे इतना बड़ा गड्ढा है कि पूरा पूरा इंसान उसके अंदर घुस जाए, और वो आज से नहीं एक साल से है। क्या विकास किया है आपने? क्या अरे नारी तो दूर की बात है, आपने जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं की है। अरे नारी का सशक्तिकरण तो आप बाद में करिएगा, पहले जो बेसिक नीड्स है वो पूरी कर दीजिए। रोड में इतना बड़ा गड्ढा है आईटी चौराहे पे कि पूरा का पूरा इंसान उसके अंदर घुस जाए, क्या सशक्तिकरण करेंगे आप? पहले बेसिक नीड्स पूरी कर दीजिए, पहले बेसिक नीड्स पूरी कर दीजिए। क्या कह रही है? सीवर लैंड पड़ रही है पूरे यूपी में, लखनऊ में। आपको शायद पता नहीं, गड्ढे जब किए जाते हैं उसमें सीवर लैंड पड़ रही है, वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। आइएगा कभी यूनिवर्सिटी पढ़ने, तो मत बोलिए। अगर आपको नॉलेज लेने का मत बोलिए, विकास नहीं कर पा रहे उस लाइन से। हम भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हैं, बराबर जाते आते रहे, ऐसा नहीं है। आज भी हम बाहर निकलते जाते हैं, एडवोकेट है, कोर्ट जाते हैं, सब देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। पहले आज विकास कार्य जितना आगे बढ़ा, पहले कभी इतना विकास कार्य नहीं था। ठीक है, प्रियंका जी क्या कह रही हैं? नीता जी, जिस गड्ढे के बारे में बच्ची बोल रही है, भरवा देंगे एक बार, यही बोल दीजिए नीता जी। क्या इतना भी नहीं करवा बोल दो रही? सीवर का काम हो रहा है उसमें, समझ सीवर का कोई काम नहीं हो रहा है। मैं एक साल से जा रही हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। जब काम होता है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आगे काम हो रहा है, ध्यान से चलिएगा, गड्ढा देख के आगे काम हो रहा है, आगे गड्ढा कैसा, कोई बोर्ड नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, कोई काम नहीं हो रहा है। गड्ढा खोद के आप मुझसे कह रहे हैं ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान में पढ़ रही हूँ, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है। अरे आप बच्चों वाली बातें, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आगे काम हो रहा है। मैंने क्या कहा? ऐसे बिना काम के गड्ढा खोद के रख दिया है ना मेन रोड, गड्ढा खोद के नहीं रखा, सीवर खुला हुआ। समझदारी से काम लीजिए, थोड़ा सा समझदार बनिए, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, ऐसी बातें ना बोलिए जो कि जायज ना हो। आपको कहना है भाजपा के खिलाफ बहुत कही है, लेकिन ऐसा मत बोलिए जो गलत हो। जो सच बोल दे वो गलत है नीता जी, गड्ढे भरने की सच नहीं है। आप करें तो मन की बात, आप करें तो मन की बात, और हम करें तो गलत। ज्ञान बढ़ाए हम अपना, ज्ञान बढ़ाए आप बोले तो मन की बात, ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। आप बोले तो मन की बात, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता का ज्ञान ही बढ़ाए फिर जाके नीता जी, क्योंकि हमको लग रहा है अखबार और न्यूज चैनल तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते हैं, अन्य कोई आम आदमी आम महिला देखती नहीं है। तो जो सच बोल दे वो ज्ञान बढ़ाए जाकर, और जो आपकी जय जयकार कर दे वो जो आपकी जय जयकार कर दे जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में अपने आप को धुल ले आके, वो एकदम सही है। जब एक प्लान चल रहा है, उस प्लान को तो देखिए, पूरे लखनऊ में चल रहा है, खाली वहाँ नहीं, पूरे लखनऊ, हमारे आलम बाग आए, यहाँ
ठीक है नीता जी, आपकी साथी प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है। 24 तक प्लान पूरा होना है, आप देखिए 24 तक प्लान को पूरा। अनीता जी ठीक है कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, कम से कम राजनीतिक महिलाएं उसके बाद ऐसा बोल रही हैं। ठीक है प्रियंका जी, क्या राजनीतिक मुद्दे उठा रहे हैं अरे गड्ढा खुदा है तो विकास कार्य के लिए खुदा है ना, कि आप व्यक्ति को गिराने के लिए गड्ढा खोदा। मैंने ये नहीं बोला कि गड्ढा खोद दिया गया है, मैंने ये कहा कि वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है, सीवर खुला हुआ है, ये नहीं बोला कि गड्ढा खोदा गया है। आपने यही बोला है, वही सीवे ऐसा कहीं नहीं है जहाँ सीवे मेन रोड पे गड्ढा खाते है, सीवे हटा तो लग रहा है आप जो है महिलाओं की डिबेट को एक गड्ढे में जाके खत्म कर दे रही हैं। किससे एक गड्ढा कौन ले आया बताइए, महिलाओं के लेके मुद्दे की बात है, इतने महिला राजनीतिकरण की बात है, उसमें वो बेसिक नीड की बात कर रही थी मैडम, आप मौजूदा सरकार ने आप छात्रा का जवाब दे दीजिए, छात्रा अपने हक की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है हॉस्पिटल में स्ट्रेचर नहीं अवेलेबल है, आप इससे ज्यादा और क्या करा सकते हैं, लोगों को कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं। अनीता जी आपकी एक महिला नेत्री ने कहा था कि जो है शाम के 5 बजे थाने में कोई भी महिला, जो आपकी हां में हाला मिला है, जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में ना धुले ज्ञानवर्धन कर ले। अनीता जी प्रियंका जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से ले लेते हैं। अनीता जी प्रियंका जी बहुत देर से कुछ कहा, प्रियंका जी क्या कहना चाह रही, जल्दी से पूरा कीजिए। देखिए अनीता जी की पार्टी की आप कोई बयान बता रही थी, हाँ उन्होंने कहा था कि जो है इनकी महिला नेत्रियां जो है वो बयान जो देती हैं उसके बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ, शांति पूर्वक सुन ले पहले मेरी बात। इनकी एक महिला मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि आप बटन दबाइए और 13 किलो रुपए चीनी पाइए। अरे भैया हमें भी दे दीजिए वो 13 रुपए किलो चीनी, और कब देंगी ये बता दीजिए, 5 साल का अपना ये कार्यकाल पूरा हो गया, आप सुनने की भी आदत डालिए क्योंकि आप विपक्ष में बैठने वाली है। गड्ढे भरने की बात आपने कही और आज इतनी मिर्ची लग रही है आपको गड्ढों से, कि एक गड्ढा अगर भरवाने के लिए वो बच्ची कह रही है तो सुन लीजिए उसकी बात, पर ये पार्टी सुनना नहीं चाहती है, ये सिर्फ मन की बात करना चाहती है, इसमें वन वे है, ये रेडियो है चलता रहेगा आप सुनते रहिए, पर आपकी कोई बात लेगी नहीं, आपकी परेशानी से आपकी समस्या। अरे प्रियंका जी वो मेरी बात सुनिए, क्या एक बताइए मेन रोड पे गड्ढा खुला रह सकता है, आप बताइए फोटो की है आपके पास, हो सकता है कि उस समय मरम्मत हो रही हो, कोई काम हो रहा था, मैंने देखा जी का नंबर ले लीजिएगा, मेन रोड पे गड्ढा खुला मिला रहेगा, आप बताइए कुछ बताइए, बात करती कि गुंडे बवाली नहीं आपकी सरकार, बात करती कि दूर दूर तक लखनऊ में गुंडे नहीं दिखाई देते, ऐसा हो सकता है जिस दिन ये बात हुई उसके अगले दिन लखनऊ के चौराहे पे एक महिला अधिवक्ता के साथ बीच चौराहे पे बदतमीजी हुई थी, उसके ऊपर हमला हुआ था, उसके ऊपर हमला हुआ था, उसके जस्ट अगले दिन दूर दूर तक देखने पे कोई गुंडा मवाली नहीं दिखाई देता है, उसके जस्ट अगले दिन लखनऊ के खुर्रम नगर चौराहे पे एक महिला अधिवक्ता के साथ बीच रोड पे उसके ऊपर हमला हुआ था, उसके साथ बदतमीजी की गई थी, इनका दुराचारी अभियान, कौन सा चश्मा लगाया है आपने कि आपको गुंडे मवाली नहीं दिखाई देता है। मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, आप पहले महिला जो अपराधियों के मुकदमे कितने जो आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे होते थे, कौन सा अपराधियों को सुरक्षित हुए, अपराधी 4 साल में पैदा नहीं हो गए, अपराधी 4 साल, मैंने क्या कहा, अपराधी 4 साल में पैदा नहीं हो गए, अपराधियों को संरक्षण दिया गया तब अपराधी को आपका कहना हो गए, आप ये ना कहना था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमने वोट इसीलिए दिया था, हमने वोट इसीलिए दिया था क्योंकि अच्छे दिन आने वाले थे, आपने कहा था अच्छे दिन आने वाले थे, जब आपकी बात कर रहे हैं तो आप पुराने लोगों से क्यों खुद को कंपेयर करते हैं, दूसरी पार्टी के पार्टी से क्यों खुद को कंपेयर करते हैं, आप अपनी बात सुनिए कि आपने क्या किया है, आपके कार्यकाल में आपने क्या किया है, आप खुद को मत करिए।
ठीक है प्लीज हो गया ठीक है। ऑनलाइन लोगों के पास पहुंच रहा है ठीक है मैडम ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आज का जो मुद्दा था, इस मुद्दे में महिलाओं की समस्याओं को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जातियों की समस्या समझी जा रही है, पूछी जा रही है घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के। लेकिन जो महिलाएं हैं उन महिलाओं की समस्या भी पूछना जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में जो महिला वोट बैंक है वो बहुत ही अहम होने वाला है, और उसी वजह से लगभग सभी राजनीतिक दल अपनी महिला विंग, महिलाओं के लिए योजना, महिलाओं के लिए घोषणाएं करने में लगी हुई है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस बार महिलाओं का फोकस किस राजनीतिक दल की तरफ जाता है और उनकी समस्या कौन सा राजनीतिक दल खत्म कर सकता है। आज की डिबेट में इतना ही, मधु जनवती नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।